मनासा तहसील क्षेत्र के गांव हांसपुर में शनिवार की दोपहर को एक कटे हुए गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार हांसपुर निवासी परशुराम उर्फ लंबू कुशवाहा के खेत में निकल रहे बिजली के तारों से अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में पड़े कटे हुए गेहूं में आग लग गई और तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे करीब एक बीघा खेत के गेहूं देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। वहीं पड़ोसी खेत में काम कर रहे लोगों को जब यह पता चला कि खेत में आग लग गई है तो सब दौड़ते हुए आए और पास के कुओं से मोटर चलाकर और बाल्टी टंकी आदि साधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो हवा के कारण आग पास के खेतों में भी चले जाती तो और भी बड़ी आगजनी की घटना हो सकती थी। फिलहाल बिना फायर ब्रिगेड बुलाए ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।